हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपने दंगल फेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो चुका है दंगल और जिसके अंदर अपन कुल मिलाकर के फुल सिलेबस के 10 टेस्ट देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। पिछले 4 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 12,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर चुके हैं और इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप बिल्कुल एकदम आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उसी के आसपास नीट के अंदर पूछा जाने वाला है। स्टूडेंट्स, आपने साल भर CLC के द्वारा प्रोवाइडेड बेस्ट सिस्टम को फॉलो किया, जिसके अंदर चाहे बात करें अपन रेगुलर क्लासेस की बात करें, बेस्ट स्टडी मटेरियल की, बेस्ट क्वालिटी के जो पेपर्स हैं उनकी बात करें, चाहे आपका नाइट स्टडी कैंप है और चाहे आपकी जो असेंबली है, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल इंश्योर करती है कि आप लोगों की बहुत अच्छी परवरिश की गई है, आप लोगों की बहुत अच्छी केयर की गई है। तो स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद में आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं आज का जो वीडियो सॉल्यूशन है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कहता है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 10 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 50 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड लिस्ट काउंट, वॉट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए जी। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, जी इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, तो ये आपके पास समझ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन क्या देगा बताओ, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कर दीजिएगा आप, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन या परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसके बाद डेल्टा एल बाई एल और प्लस क्या देगा, टाइम की पावर 2 है 2 डेल्टा टी बाई टी और इनटू क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, देखो डेल्टा एल लेंथ के मेजरमेंट में एरर कितनी देर की आपको बताओ 1 mm दे रखी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 1 mm अपॉन लेंथ आपको कितनी देर की बताओ 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm तो ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 2 डेल्टा टी जो टाइम है उसकी लिस्ट काउंट कितनी देर की आपको बताओ 1 सेकंड अपॉन टी जो टोटल टाइम है वो आपको कितना देर का है भाई, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 50 सेकेंड, तो टोटल टाइम आपको यहाँ पे लिखना है 50 हो गया और इसके बाद इनटू क्या कर देना आपको 100 कर देना है, समझ गए बात आप। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो ध्यान से इस 100 को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा अभी 4 और 1 + 4 इक्वल टू क्या देगा 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 5%, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अपन करेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपका जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से देखना, देखो ए रोड पी क्यू ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट पॉइंट पी, द रोड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय ए मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट क्यू एज शोन इन फिगर, When string is cut, the initial angular acceleration of the rod. तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों सबसे पहले यहां से अपन क्या करते हैं अभी, इसको अपन P पर फिक्स कर देते हैं, यहां पर मैंने इसको फिक्स कर रखा है। अब इस पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेज में शो कर देता हूं, एक तो इस पर क्या लग जाएगा इस प्रकार से सेंट्रोमास पे mg लग जाएगा, सेंट्रोमास पे mg लग गया और यहां पर क्या लग जाएगा इस प्रकार से बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा और यहां पर इसके अंदर क्या लग जाएगा टेंशन लग जाएगा। अब इसको तो आपने क्या कर दिया इस प्रकार से काट दिया है, ठीक है ना, इसको आपने कट कर दिया है।
अपन क्या करते हैं, यहां पर जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के अबाउट ये क्या करेगी, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेगी, और इसका जो एंगुलर एक्सलरेशन है वो कितना देगा बताओ, एल्फा। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इस पी के अबाउट तो इक्वल टू आई एल्फा, तो टी पी तो पी इक्वल टू क्या देगा, आई पी इंटू क्या देगा, एल्फा। अब यहां पर अपन पॉइंट पी के अबाउट बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो यहां पर पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो इसका जो टॉर्क है वो तो जीरो देगा। एम जी का टॉर्क अपन ले लेते हैं, तो एम जी का टॉर्क कितना देगा भाई, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देगा बताओ, एल बाई टू, ठीक है ना। तो आई कितना देगा भाई, आई तो आई को अपन लिख सकते हैं कितना देगा बताओ, एक एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू क्या देगा बताओ, एल्फा। तो यहां से आपके पास एल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, एल्फा इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास में, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है, तो एल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, थ्री जी बाई ट्वेल्व, थ्री जी बाई ट्वेल्व, समझ गए बात आप। तो एल्फा इक्वल टू थ्री जी बाई ट्वेल्व, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या करे, देखना ध्यान से। द मासेज एंड रेडियाई ऑफ द अर्थ एंड मून आर एम वन आर वन एंड एम टू आर टू रेस्पेक्टिवली, द सेंटर हैज अ डिस्टेंस डी ऑफ अर्थ, द मिनिमम वेलोसिटी विच ए पार्टिकल ऑफ मास एम शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर सो दैट इट एस्केप्स टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखता देखो, यहां पर जैसे मान के चलेगा अर्थ है, और इसके बाद में यहां पे क्या देगा, मून हो देगा, मास कितना देगा भाई, m1 m2, और यहां पे इनका ये मिड पॉइंट हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितना देगी भाई, डी बाई टू, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी क्या देगी तो डी बाई टू हो जाएगी। सबसे पहले यहां पे अपन क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास कितना भी एम है, और इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, समझ गई बात आप। सबसे पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या देगा, ये देगा आपके पास माइनस का जी, इसको अपन बोल सकते हैं एम वन अपॉन कितना देगा, डी बाई टू, माइनस का जी, इसके बाद एम टू अपॉन कितना देगा बताओ, डी बाई टू, ठीक है ना, ये पोटेंशियल आ गया। इसके बाद पोटेंशियल को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल इंटू मास इक्वल टू क्या देगी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, आ जाएगी क्या देगी, बाइंडिंग एनर्जी, और इस बाइंडिंग एनर्जी को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं बताओ, यह देगा आपके पास हाफ एम इंटू क्या देगा बताओ, वी स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल एम है ये, ठीक है भाई। तो क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद में क्या बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पे टू ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से जो टू है ये भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अपन बोल सकते हैं फोर जी अपॉन कितना देगा, डी एम वन प्लस क्या देगा आपके पास, एम टू देगा, इसके बाद में वी ई इक्वल टू फोर जी अपॉन डी एम वन प्लस एम टू, इसका अपन रूट कर देंगे भाई, ठीक है ना, और फोर को अगर अपन रूट से बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, टू बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास टू जी अपॉन डी एम वन प्लस एम टू, तो यहां पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट चला जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे सबसे पहले उस पार्टिकल की अपन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है, और बाइंडिंग एनर्जी को हाफ एम स्क्वायर के बराबर कर दोगे तो यहां से आपके पास जो वी आएगा वही आपकी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट इज गिवन बाय, तो ध्यान से देखना देखो, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ए साइन थीटा, ये तो आप सब जानते ही हैं, और फिर उसके बाद मैक्सिमम की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है भाई, टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू होता है, यहाँ पे n है उसकी वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, तो n अगर अपन वन पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, a साइन थीटा इक्वल टू टू प्लस वन कितना देगा, थ्री, ये बन जाएगा आपके पास थ्री लेमडा बाई टू आ जाएगा, समझ रहे हो बात आप, तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम
तो फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन हो जाएगी ये। तो ए साइन थीटा इक्वल टू क्या देगा, 3 लैम्डा बाई 2, तो ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ये 3 लैम्डा बाई 2 दिखती, इसको पुट कर देते, इसको टिक कर देते, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एकदम, मैंने बोला ना फोकस्ड रहना है, यही होता है फोकस रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है देवदान से। ए बैलून स्टार राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड विद एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 8 सेकंड स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, स्टोन विल। ध्यान से देखना, देखो यहां से कोई बैलून है जो कि ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करता है, 8 सेकंड बाद में यहां पे आ जाता है, ठीक है ना। 8 सेकंड बाद में यहां पे आ गया, ओके यहां पे आ गया। अब 8 सेकंड बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। v इक्वल टू क्या देगा, u प्लस क्या देगा 80, a कितना देगा भी 1.25 और इनटू t कितना देगा आपके पास है 8 आ जाएगा। वेलोसिटी कितना देगी बताओ, 10 मीटर पर सेकंड। और इस दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। एज इक्वल टू कितना देगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u 0 देगा हाफ, a कितना देगा 1.25 इंटू टी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना देगा 64, तो ये आपके पास में कितना देगा 40 मीटर। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ से जो बैलून है इससे मैंने एक स्टोन को रिलीज किया है, तो ऑब्वियसली जो बैलून की वेलोसिटी होगी वही स्टोन को मिलेगी, तो स्टोन है इसकी वेलोसिटी भी कितनी देगी बताओ, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 40 मीटर की हाइट से अपन एक स्टोन को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है, समझ गए बात आप। अब देवदान से अपन ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या करें कि कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस 40 मीटर कवर नहीं करेगा, ये तो पहले कट हो गया। कैसे कि पहले ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, तो डिस्टेंस है वो तो 40 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा गलत। हैव ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, देखो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर कैसे नहीं होगा कि भाई इसको आपने यहां से रिलीज किया और फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाता है, ये इस प्रकार से यहां से अपने इसको रिलीज किया, ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आता है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये बन जाएगी और इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो इस प्रकार से ये बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में ये कह रहा है कि रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, चलो ये अपन जरूर चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करते हैं, इसको अपन इसके लिए सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -40, ठीक है ना, इक्वल टू यू कितना हो जाएगा इसका बताओ, 10 इंटू टी माइनस हाफ, जी कितना देगा बताओ, 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको अपन बोल सकते हैं माइनस का 40 इक्वल टू 10 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को अपन 5 से डिवाइड कर देते हैं और इन दोनों को अपन इधर की तरफ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास है टी स्क्वायर, इसके बाद में माइनस क्या देगा 2t, इसके बाद -8 इक्वल टू 0 देगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा t इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 माइनस 4 a 1 हो जाएगा और c कितना देगा -8 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a ए कितना देगा 1, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4 32 प्लस 4 36 आ गया। तो इसको अपन बोल सकते हैं 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब माइनस अगर अपन यहां पर रख देंगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पर 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना देगा 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा और बिगिन टू मूव डाउनवर्ड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे इसको अपन रिलीज करेंगे पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ए मास इज सपोर्टेड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग
and rotates about a fixed center and angular velocity omega naught. If the length of the string and angular velocity both are doubled, the tension in the string which was initially T naught is. ध्यान से देखना, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि टेंशन T कुछ तो क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा एल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद टेंशन की बात करते हैं, फाइनल टेंशन की बात करते हैं, तो टी डे सी कुछ तो क्या देगा, इनिशियल कितना था आपके पास में टी नॉट था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मास है इसको अपन चेंज कर रहे हैं क्या बताओ, नहीं। इसके बाद लेंथ को अपन डबल कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी जो है अपन डबल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो टू का स्क्वायर कितना देगा बताओ, फोर। इसके बाद लेंथ भी क्या कर देंगे अपन डबल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, फोर इंटू टू कितना देगा एट, तो ये बन जाएगा आपके पास है एट्टी नॉट। एट्टी नॉट फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। ए ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड 34 मीटर पर सेकंड, द ट्रेन साउंड्स ए व्हिसल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज F1। इफ द ट्रेन स्पीड इज रिड्यूस टू 17 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड इज F2। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, देन रेशियो F1 F2। बात सुना भी है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में सोर्स और ये ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर अब उसकी वेलोसिटी क्या देगी जीरो, और ये इसकी तरफ आ रहा है, किस आ रहा मान किस लेगा यू से आ रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन कुछ मान लेते हैं एफ मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एफ वन की बात करते हैं, तो एफ वन इक्वल टू क्या देगा एफ इंटू स्पीड ऑफ साउंड कितना देगा 340 अपॉन क्या देगा आपके पास 340। अब यहां पर जो ऑब्जर्वर वो तो क्या रेस्ट पे और सोर्स इसको अप्रोच कर रहा है, तो डिस्टेंस घट रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो नीचे माइनस का साइन लगेगा आप जानते हैं सभी है। तो पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी बताओ 34 हो जाएगी, क्या देगा आपके पास 34 हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं F2 की बात करते हैं, F2 तो F2 इक्वल टू क्या देगा भी F इंटू ये बन जाएगा आपके पास 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी बताओ 17 हो जाएगी। समझ गए बात आप, कि आपके पास F1 और F2 आ चुका है, इन दोनों को सोल्व करना आंसर आ जाएगा। समझ गए बात आप, फाइनल मैंने फॉर्मूले लिख दिए, इन दोनों को आपको सोल्व करना भी। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे देवदान से। ए स्ट्रेट वायर विच इज प्लेस हॉरिजॉन्टली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली देन ईस्ट एंड विल बी, कौन सा इसका एंड है वो हाइपोटेंशियल पे होगा। तो ध्यान से देखना, देखो अपन ऐसे देख सकते हैं कि ये देखा आपके पास है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, समझ गए बात आप। अब ध्यान से देखना, इसको आपने कौन सी डायरेक्शन में रख रखा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख रखा है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है ना। तो BH की डायरेक्शन होती है इस प्रकार से इधर की तरफ, ये देगा आपके पास में BH हो जाएगा, और जो वायर इसको आपने कौन सी डायरेक्शन में रख रखा है ईस्ट वेस्ट में, वायर इस प्रकार से आपने यू रख रखा है, देखो ये आपका वायर हो गया और ये वायर इस प्रकार से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ यहाँ पे, तो राइट हैंड रूल कैसे लगा सकते हैं, मेरी जो फिंगर्स है उनको वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी की तरफ मुझे डाउनवर्ड, ये देगा वी और ये आपके पास बी हो गया, तो मेरा जो थंब है वो हाइपोटेंशियल को बताएगा, तो हाइपोटेंशियल किसकी तरफ हो जाएगा बताओ ईस्ट की तरफ हो जाएगा, तो ये तो देगा आपके पास हाइपोटेंशियल और ये देगा आपके पास है लो पोटेंशियल, तो इसका जो ईस्ट एंड है वो क्या देगा हाइपोटेंशियल पे हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे, ध्यान से देखना, देखो ये कह रहा है कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द इजेक्शन इज 2 वोल्ट, ठीक है ना। इफ द इंसिडेंट लाइट इज चेंज टू 3000 एंगस्ट्रॉम देन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ध्यान से देखना, देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपन जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट इक्वल टू कितना देगा भी एच सी अपॉन लेमडा माइनस क्या देगा बताओ फाइव नॉट हो देगा, समझ गए बात आप। सबसे पहले 4000 आप इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है ना, और पहले लेमडा कितना था बताओ 4000 एंगस्ट्रॉम था, और अब इसके बाद लेमडा वो कितना देगा बताओ 3000 एंगस्ट्रॉम हो गया।
इसका मतलब जो लेमडा वो क्या हो जाता है बताओ, डिक्रीज हो रहा है, और लेमडा अगर डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 वोल्ट हो जाएगा, तो 2 वोल्ट से अधिक आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात आप? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये क्या करें दुदान से, द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट लॉजिक सर्किट इज। देखो इसको आप चलो अपन करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास है क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद इसको अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा ए बार हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, बी। तो इसको क्या मिल जाएगा बताओ, बी मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या मिल जाएगा बताओ, ए मिल जाएगा। और ये जो बी है इसको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से बताओ, बी बार मिल जाएगा। इसके बाद इसके अपन बात करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ए बार डॉट क्या हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा। और इसके बाद इसके अपन बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए। और इसके बाद डॉट ये बी बार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वाई की अपन बात करते हैं फाइनली, तो वाई क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी। और इसके बाद में प्लस ये देगा आपके पास ए डॉट बी बार हो जाएगा भाई। समझ गए बात आप है? और इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, एक्स और गेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स और गेट का ट्रथ टेबल वैसे आपको पता है, फिर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन देख सकते हैं ए और बी इन दोनों को 0 0 पुट करते हैं। तो अगर आपके पास में क्या देगा भाई, ए क्या देगा ये 0, और बी भी क्या देगा भाई 0, तो 0 ये कितना देगा 1, और ये 0, तो ये 0 बन गया। और ये भी क्या देगा आपके पास है 0, तो 0 + 0 क्या देगा बताओ, 0 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन क्या करते हैं, ए और बी दोनों को अपन 1 फुट करते हैं, तो ए और बी दोनों अगर 1 होंगे तो 1 का बार कितना देगा 0, और 1 का बार क्या देगा भी 0 देगा, तो ये भी 0 ये भी 0, 0 + 0 क्या देगा भी 0 देगा। इसके बाद अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ए और बी है इनको अपन 0 1 फुट करते हैं, तो ए कितना देगा भी 0, और बी क्या देगा 1 हो जाएगा, तो 0 का बार कितना देगा 1, 1.1 क्या देगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 0, और ये भी क्या देगा 0, 0 0 0 बन जाएगा, और इसके बाद में ये 1 हो गया, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो एक्स और गेट बन रहा है ये, और एक्स और गेट इसका लॉजिक क्या होता है कि ए और बी दोनों में से केवल और केवल एक जो इनपुट है वो हाई होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा भाई। तो आप देख सकते हैं कि 0 0 पे 0, 1 1 पे 0, 0 1 पे 1, और 1 0 पे 1, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट आ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन के अंदर अपन देख सकते हैं कि ध्यान से देखना, देखो केवल और केवल जो एक इनपुट है वही आपका हाई है, तो ही आपको आउटपुट क्या मिलता है बताओ, हाई मिलता है भाई। समझ गए बात आप? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो टू टैंक्स ए एंड बी कंटेन वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम ईच टैंक टू प्रिपेयर 40 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पे अपन देख सकते हैं कि दोनों का अपने को मास कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है ना। तो एक तो देगा आपके पास ए, और ये देगा आपके पास बी। इसका जो मास है वो कितना देगा बताओ, एम हो जाएगा। और दूसरे वाले का जो मास है वो कितना देगा भी, टोटल अपने को मिक्सर चाहिए 40 kg का, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 40 माइनस क्या देगा बताओ, एम हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना देगा भी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना देगा बताओ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में मिक्सर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है कि टी मिक्स इक्वल टू क्या होता है, टी मिक्स इक्वल टू M1 T1 प्लस क्या देगा बताओ, M2 T2 अपॉन M1 + M2 देगा। तो बात करते हैं अपन टी मिक्स की, बात करते हैं तो टी मिक्स तो क्या हो जाएगा, टी मिक्स हो जाएगा आपके पास 42.5 आ गया इक्वल टू M1 कितना देगा, M 30 प्लस M2 कितना देगा, 40 - M, और T2 कितना देगा बताओ, 80 आ जाएगा अपॉन M1 + M2 कितना बन जाएगा आपके पास में, 40 बन जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से यहां से अपने को M की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो M आपके पास आ चुका है,
और उसके बाद में इसको एम को अपन यहां पे पुट कर देंगे तो बी है उसका मास भी आ जाएगा, तो ए और बी इन दोनों का मास यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, मिक्सर का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कर रहे थे से, ए गैस इज सडनली कंप्रेस टू 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर इफ इनिशियल टेम्परेचर वॉज 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से देखना, देखो यहां पे अपन टेम्परेचर की बात करते हैं तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है बताओ, कॉन्स्टेंट होता है। प्रेशर को आपको हटाना है तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी इसको अपन लिख सकते हैं टी बाई वी, तो ये बन जाएगा आपके पास टी बाई वी और इसके बाद में वी की पावर गामा इक्वल टू क्या देगा बताओ, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या देगा बताओ, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन आ जाएगा। तो यहां से आपके पास जो टी वन है वो कितना देगा भी 127, इसका मतलब कितना देगा 400। बात करते हैं अपन वी वन की, बात करते हैं वी वन कितना था, मान के चलिएगा आपके पास में वी था और गामा माइनस वन कितना देगा 0.5 हो जाएगा इक्वल टू टी टू और वी टू, वी टू आपको कितना देगा अभी 1/9, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी 1/9, तो v by 9 और इसकी पावर कितना देगी आपके पास है 0.5 हो जाएगी। यहां से v से अपन v को कैंसिल आउट कर देंगे और 1/9 यानी 9 का जो रूट है वो कितना देगा 3 आ जाएगा, तो t2 इक्वल टू कितना देगा, t2 इक्वल टू 1200 केल्विन आ जाएगा। बात सुना भी, 1200 केल्विन ये जो टेम्परेचर है वो तो केल्विन में है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, अब इसको आपने सडनली कंप्रेस किया है, इसका मतलब एडियाबेटिक कंप्रेशन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अपन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियस आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन इज। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं अपन, क्या देगा 1H2 प्लस क्या देगा बताओ 1H2 और इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ 2He4 हो जाएगा। ठीक है ना, और ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं अपन, इसकी कितनी हो जाएगी 1.1, तो 1.1 तो पर न्यूक्लियन है तो 1.1 ये कितना देगा आपके पास 2.2 इसकी एनर्जी हो जाएगी और इसकी भी कितना देगी बताओ 2.2 हो जाएगी और इसकी कितने देगी भी, इसकी पर न्यूक्लियन कितना देगी 7, तो ये देगा आपके पास में 28। ठीक है ना, तो ये तो टोटल कितना देगा आपके पास बताओ 4.4 और ये क्या देगा आपके पास 28 हो जाएगा। अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज अपने को पूछा जा रहा है तो क्यू इक्वल टू क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट्स माइनस क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो 28 माइनस कितना देगा आपके पास 4.4 इक्वल टू कितना देगा आपके पास 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्या कर रहे थे उदन से, ए रॉकेट ऑफ मास 5700 केजी इजेक्ट्स मास एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकंड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर सेकंड द एक्सलरेशन ऑफ द रॉकेट 1 मिनट आफ्टर द मोशन इज। ध्यान से देखना, देखो आपने को एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका जो मास है वो कितना देगा, अभी फाइनल मास की बात करते हैं, इनिशियली इसका मास है वो कितना देगा बताओ 5700 इसके बाद माइनस 15 किलोग्राम पर सेकंड से ये बर्न कर रहा है तो 15 और एक मिनट में 60 सेकंड हो गए। ठीक है ना, तो कितना देगा अभी 5700 और माइनस कितना देगा बताओ 900 देगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 4800 4800 केजी,
ये तो इसका रिमेनिंग मास आ जाएगा। अब अपने को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगता है बताओ, ऊपर की तरफ लगता है वी डी एम अपॉन डी टी माइनस नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है एम जी, इक्वल टू क्या देगा बताओ एम ए देगा। अब यहां पर जो वी है वो कितना देगा भाई 12 किलोमीटर 10^3, डीएम बाई डी टी की अपन बात करते हैं तो कितना देगा भी 15 माइनस जी कितना देगा 10 हो देगा तो 48,000 इक्वल टू एम ए, एम कितना देगा भी 4800 इंटू क्या देगा भी ये देगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना 180,000 माइनस कितना देगा 48,000 देगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ये एक लाख 32,000 बराबर कितना देगा बताओ 4800 इंटू ए, तो यहां से आपके पास में जो ए है वो कितना बन जाएगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं 1320 अपॉन ये बन जाएगा आपके पास 48 बन जाएगा, ठीक है ना, तो 27.5 समथिंग ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली इसको अपन कैलकुलेट कर देते हैं तो क्या आंसर बन जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये बन जाएगा 1320 डिवाइडेड बाई 48 एग्जैक्टली आ रहा आपके 27.5 27.5, ठीक है ना, ये इसका एक्सेलरेशन देगा, आपका सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला देगा। ओके नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या करे। एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज इज आर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सर्फेसेज इज, ध्यान से देखना देखो, अपन जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है भाई E इंटू डी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या भी यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा भी सिग्मा अपॉन किसकी बात करें अपन कंडक्टिंग शीट की बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी कितना देगा आपके पास में आर हो जाएगा, ठीक है ना, तो बन जाएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा आपके पास में सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ओके चलिए बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो इसके अंदर आपको एक शेविंग मिरर उसको डिजाइन करना है इस प्रकार से, देखो शेविंग मिरर ये होता है, ठीक है, यहां पर आपने इस प्रकार से ऑब्जेक्ट रख रखा है और फिर उसके बाद इसकी इमेज कहां पर बनती है भाई, यहां पर इसकी इमेज बन जाती है, मैग्निफाइड इमेज बनती है पीछे की तरफ, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब पर्सन कीप्स इट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज फेस, तो ये वाली डिस्टेंस कितना देगी बताओ 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ध्यान से ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब ऑब्जर्वर है और इससे मतलब 25 पे इमेज बनती है, तो 10 तो ये हो गया और 25 इसका मतलब ये कितना देगा आपके पास है 15 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ गए बात आप, टोटल आपको 25 दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 25 है तो ये कितना देगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो यू है वो यू कितना देगा बताओ माइनस 10 सेंटीमीटर और जो वी है वो क्या देगा आपके पास में प्लस का 15 सेंटीमीटर देगा, तो अपन लिख सकते हैं 1/F = 1/V + 1/U, मिरर फॉर्मूला होता है, तो 1/V कितना देगा 15 इसके बाद माइनस का 1/10, एलसीएम कितना देगा इसका बताओ 30 और इसके बाद में कितना देगा आपके पास 2 और माइनस क्या देगा आपके पास 3, तो माइनस का 1/30, ठीक है ना, और फिर उसके बाद अपन लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ आ चुकी है तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ माइनस का 30, तो आर इक्वल टू क्या होता है भाई 2 times ऑफ एफ होता है, तो कितना देगा आपके पास माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो माइनस का 60 तो है नहीं, 60 सेंटीमीटर आपको आंसर दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका अपन करेक्ट कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कहता है, देखो
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे, देखो ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन ऑर्डर दैट द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क द वैल्यू ऑफ आर शुड बी। ध्यान से देखना, देखो क्या कर रहा है यहां पे, ये अपने पास में क्या देगा, देखो इसको सर्किट को अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिएगा इस पॉइंट के बीच में ये आर है और यहां पर ये कितना देगा आर आर टू आर हो जाएगा। ये क्या देगा आपके पास आर आर टू आर और ये कितना देगा आपके पास में फोर आर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये वी टीस्टोन ब्रिज बन रहा है तो इसको अपन यहां से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बीच वाले को आप हटा दो। और जैसे बीच वाले को अपन हटाएंगे तो वैसे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ये बन जाएगा आर 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 तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा थ्री आर और ये हो जाएगा आर आर फोर आर तो ये कितना हो जाएगा अभी सिक्स आर। तो ऊपर तो देगा थ्री आर और नीचे क्या हो जाएगा सिक्स आर हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना देगा बताओ, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा थ्री आर इंटू कितना देगा आपके पास है सिक्स आर अपॉन ये देगा आपके पास है थ्री आर प्लस क्या देगा बताओ सिक्स आर इक्वल टू क्या बन जाएगा टू आर। ठीक है ना, और आर की वैल्यू कितने देगी भी, ये आपको बोला जा रहा है कि फोर ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में, तो अपन बोल सकते हैं ये आपके पास है आर नेट हो गया अभी। और मैक्सिम पावर आपको कब मिल सकती है कि जो आर नेट है वो किसके बराबर होना चाहिए भी, स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। तो आर नेट तो कितना देगा आपके पास टू आर और स्मॉल आर कितना देगा आपके पास में फोर हो जाएगा तो आर इक्व टू कितना देगा बताओ टू ओम। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आप जानते होंगे, अपन जाने की कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट इक्वल्स टू क्या था 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा अभी देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले जो हीट है वो कितनी एब्जॉर्ब करता है 750 और जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा अभी, कितनी हीट को रिजेक्ट कर दिया 500 को, 750 में से 500 को वापस रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब वर्क डन कितना देगा आपके पास में 250 इक्वल टू 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। तो यहाँ से टी टू है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और अपॉन टी वन, टी वन कितना दे रखा आपको बताओ 137 तो 137 कितना देगा अभी तो 410 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/3 तो इसको अपन बोल सकते हैं टी टू अपॉन 410 इक्व टू 1 - 1/3 कितना देगा आपके पास 2/3 तो यहाँ से टी टू इक्व टू कितना देगा 2/3 इंटू कितना देगा 410 इक्व टू कितना देगा 273.33 और ये तो केल्विन में आ गया और डिग्री सेंटीग्रेड की अगर अपन बात करते हैं तो कितना देगा अभी ये लगभग हो जाएगा आपके पास है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्या करें, यह करें कि द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ टू मेटल स्फीयर्स एंड बी इज 8:1 मास का रेशियो आपको गिवन है, इफ देयर टेम्परेचर आर आपको दे रखा है कितना भी 2000 केल्विन एंड 1000 केल्विन रेस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ देयर एनर्जी इमिशन। देखो रेट्स ऑफ एनर्जी इमिशन की बात करते हैं तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्व टू क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं ई आर सिग्मा ए और इसके बाद है टी की पावर 4। ठीक है ना, ये चीज होगी। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ हीट लॉस हो गया तो रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों कांस्टेंट हो गए ए इंटू ये आपके पास है टी की पावर 4 आ गया। अब यहां पे अपने को मास का रेशियो दे रखा है अभी, ठीक है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी मास इक्व टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी वॉल्यूम को 4/3 πr³ इंटू क्या देगा भी डेंसिटी, तो डेंसिटी हो जाएगा आपके पास में डी हो गया भी, तो यहाँ से आपके पास m प्रोपोर्शनल टू r³ हो गया, तो यहाँ से आपके पास r
प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 1/3 हो जाएगा। अपन जानते हैं सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा आपके पास एम की पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक को अपन क्या लिख सकते हैं भी एम की पावर 2/3, और इसके बाद टी की पावर क्या हो जाएगा भी 4 हो जाएगा। अब दोनों की जो मास है उन मास का रेशियो कितना जाएगा 8:1, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि इसका आर का जो रेशियो है वो कितना देगा भी, ध्यान से देखना, देखो 8:1 मास का रेशियो आपको दे रखा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं 8/1, इसकी पावर क्या देगी आपके पास में 2/3, ठीक है ना। और टी की पावर 4, टेम्परेचर का रेशियो कितना देगा 2000/1000, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा बताओ 4 बन जाएगा, 2 की पावर 4 आ गया भी। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 8 की पावर 2/3, तो 8 की पावर 1/3 कितना था 2 का स्क्वायर 2 4 4 into, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में 2 की पावर 4 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 64:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या करें ध्यान से देखने, देखो ए प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 किलोग्राम विच वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल। देखो ध्यान से, इसको अपन एनएलएम सेकेंड से कर सकते हैं कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मास कितना हो जाएगा अभी 150, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.15 किलोग्राम हो गया। और इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई, वेलोसिटी कितनी थी 20, और इसके बाद रेस्ट में आ गई, ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, अपन कितना देगा अभी 0.1, ये टाइम हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास है कितना देगा अभी 30 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट चला देगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, क्या करें, देखो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, यहां से आपके पास म्यू इक्व टू क्या होता है 10θ 1 - 1/n2, तो यहां से आपके पास है थीटा इक्वल टू कितना देगा 45, 10 45 कितना देगा अभी 1 हो जाएगा, और इसके बाद 1 माइनस एन कितना देर का आपको 2 टाइम्स देर का है, तो 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1 - 1/4 कितना देगा 3/4, तो इसको अपन बोल सकते हैं 3/4, ये म्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहे थे उधर से, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 mm, होल अपैरेटस इज मेज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं बीटा इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो यहां से आपके पास बीटा डेस अपॉन बीटा इक्वल्स टू लेमडा डेस अपॉन लेमडा। अब ध्यान से देखना, देखो बीटा डेस इक्वल टू बीटा कितना देर का आपको बताओ 0.4, ठीक है, लेमडा डेस कितना देगा भाई, लेमडा डेस को आप लिख दो लेमडा बाई म्यू, ठीक है ना, और अपॉन क्या देगा आपके पास में लेमडा, तो 0.4 m आ जाएगा, तो 0.4 m, म्यू कितना देगा 4/3, तो ये आपके पास में देगा 0.3, तो 0.3 mm, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है ध्यान से देखना, देखो एम है और एट एम है, एम की टर्मिनल वेलोसिटी आपको वी दे रखी है, एट एम की टर्मिनल वेलोसिटी आपको पूछ रहा है, ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी इसको अपन लिख देते हैं वी टी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पर सबसे पहले मास एम इक्वल टू क्या देगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी कांस्टेंट होगी, रेडियस की पावर क्या देगा बताओ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3 आ जाएगा, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 1/3, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एम की पावर क्या देगा आपके पास है, 2/3 हो जाएगा। तो बात सुना, मास को आपने कितना कर दिया, एम से 8m कर दिया है, तो 8 की पावर 2/3 कर दो तो कितना देगा 4, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना देगी बताओ, 4v। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं अपन, क्या करें, ये कह रहा है कि इन द सीरीज एलसीआर सर्किट इज शोन इन फिगर, द हीट डेवलप्ड इन 80 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज करंट इज। ध्यान से देखना, देखो ये आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज करंट ये भी आपको पूछा जा रहा है, तो देखना ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पर आपको जेड कैलकुलेट करना है, जेड, तो जेड इक्वल टू क्या देगा, आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, 7 - 4 इक्वल टू कितना देगा 3, 3 का स्क्वायर कितना देगा बताओ 9, 25 का रूट कितना देगा बताओ 5 आ जाएगा, तो जेड तो कितना देगा आपके पास 5 ओम आ जाएगा। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं, यहां से आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आई नॉट, तो आई नॉट कितना देगा अभी, वी नॉट, वी नॉट कितना देगा 25/5 इक्वल टू कितना देगा बताओ 5 एम्पियर आ जाएगा अभी। समझ गए बात आप। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अभी वोल्टलेस करंट की बात करते हैं, वोल्टलेस करंट, तो वोल्टलेस करंट क्या हो जाएगी अभी, या एक काम करते हैं अपन पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस फाई, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है आर बाई जेड होता है, तो आर कितना देगा आपके पास में 4 और जेड कितना देगा अभी 5, 4/5 हो गया। तो अगर अपन पी एवरेज की बात करते हैं, पी एवरेज, तो पी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, पी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में वी नॉट आई नॉट या वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। वी आर एम एस आई आर एम एस को अपन क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू, तो वी नॉट आई नॉट बाई टू बन जाएगा, तो वी नॉट कितना देगा, वी नॉट है 25, आई नॉट कितना देगा अभी 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, कॉस फाई कितना देगा आपके पास में 4/5 आ जाएगा अभी। ठीक है ना, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपके पास में देगा 50, ये तो देगा आपके पास में 50 वॉट, ये तो पावर आ गया, और पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, तो एनर्जी को अपन लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू कितना देगा 50 इंटू टाइम, टाइम कितना देगा 80 सेकंड, तो 80 सेकंड ये कितना देगा आपके पास है 4000 जूल, इतनी तो एनर्जी आ चुकी है अभी। ठीक है, और इसके बाद में एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टलेस करंट की बात करें, अभी वोल्टलेस करंट, तो वोल्टलेस करंट क्या होती है बताओ, आई नॉट साइन फाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई नॉट कितना देगा, आई नॉट 5, और यहां से कोस फाई इक्वल टू कितना देगा 4/5, दैट इज एंगल इज 37, और साइन 37 इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 3/5 आ जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर 4000, तो 3 एम्पियर 4000 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, ए ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए पिस्टन विच एग्जीक्यूट्स SSM इन ए वर्टिकल प्लेन विद ए फील्ड 2 सेकंड एट एन एम्पलीट्यूड जस्ट सफिशिएंट फॉर द ब्लॉक टू सेपरेट फ्रॉम द पिस्टन, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहली बात है कि ये अपने पास में कोई पिस्टन है, इसके ऊपर अपने कोई ब्लॉक रख रखा है, ठीक है ना, अब इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है अभी, एम जी लग रहा है, और जब ये एक्सट्रीम पे होगा तो इस पे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लग जाएगा, तो इन दोनों को बराबर कर दो आप, तो यहाँ से अपन कर सकते हैं कि एम जी इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा ए, एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जी की वैल्यू कितना देगी भी, इसको आप ले लो 10 ले लो, ठीक है ना, और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू कितना देगा 2π/T, तो ये बन जाएगा आपके पास 2π/T, टी कितना देगा अभी 2, और इसका अपन क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना देगा अभी, एम्पलीट्यूड आपको पता नहीं है, एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ये देगा 10/π² 10/π² देगा, और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो वी मैक्स इक्वल टू क्या देगा अभी ए ओमेगा, तो ए तो कितना देगा अभी 10/π² और ओमेगा कितना था 2π/T, 2π/T, T कितना देगा 2,
तो ये आपके पास आ जाएगा टेन अपॉन पाई। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। क्वेश्चन नंबर 26, टू वायर्स ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर, बट द डिफरेंट मटेरियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड, दैट इज इन सीरीज। इफ द डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द टू वायर्स आर इन द रेशियो 1:4, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स विल बी इन रेशियो। देखो ध्यान से, दो वायर उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया, तो सबसे पहली बात है दोनों के अंदर करंट सेम होगी, तो आई कोस्ट कितना देगा, एन ई ए इंटू क्या देगा बताओ, वीडियो देगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो सीरीज में तो करंट सेम हो जाएगी, इसके बाद ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सेम होगा, रेडियस अगर सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आपको पूछा जा रहा है, तो टू वायर्स आर इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा, अभी 1/n आ जाएगा, तो जो n है उसका रेशियो कितना देगा, 1:4, तो वी डी का रेशियो कितना देगा तो 4:1, तो 4:1 आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अपन देखते हैं, रिओप्टिक्स का क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या कर रहा है कि आपको जो प्रिज्म है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है अभी, तो चलो करते हैं। देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और इसके बाद में क्या बोला जा रहा है भाई, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा भाई 90, और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस वाले एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं 60, और ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में 30, ठीक है ना। इसके बाद में स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, बार का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना देगा 1 × sin 45 कितना देगा अभी 1/√2 = इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना देगा n into r कितना देगा 30, और sin 30 कितना देगा बताओ 1/2 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास n = कितना देगा 2/√2, तो इसको अपन बोल सकते हैं √2, ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी √2, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहे थे, उदाहरण से चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू, इसको अपन ने कैपिटल क्यू की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ये आपके पास है कैपिटल क्यू, ये आपके पास है क्या देगा स्मॉल क्यू, इसको अपन इस प्रकार से वी वेलोसिटी से भेजा इधर की तरफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी बताओ 1/2 m × क्या देगा भाई v², और ये आपको पता है कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है के क्यू क्यू अपॉन क्या देगा बताओ स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहां से ध्यान से देखना, देखो स्मॉल आर इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी, स्मॉल आर इक्वल टू के क्यू क्यू टू ऊपर आ जाएगा अपॉन एम इंटू क्या देगा v², तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v². बात सुना भी, पहले स्पीड कितनी थी v थी, v को आपने 2v कर दिया, तो वेलोसिटी को आपने 2 times कर दिया, तो आर वो कितना देगा अभी 2 का² 4 1/4 हो जाएगा, तो r by 4 आ जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अपन। टू ट्रेंस वन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड अनदर ऑफ लेंथ 125 मीटर आर मूविंग म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग फील्ड लाइंस, मीट ईच अदर ईच स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशंस आर 0.3 एंड 0.2 मीटर पर सेकंड इसका रेस्पेक्टली, देन द टाइम दे टेक टू पास ईच अदर। बात सुना भी, सबसे पहले आपके पास है जो s रिलेटिव है, रिलेटिव डिस्टेंस कितने देगी बताओ, दोनों को ऐड कर दो आप, 100 प्लस क्या देगा बताओ 125 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 225 मीटर हो जाएगा s रिलेटिव वाली। इसके बाद में क्या देगा अभी, u रिलेटिव कैलकुलेट करना है, u रिलेटिव, तो u रिलेटिव कितना देगा अभी, यह हो जाएगा आपके पास 10 से, दोनों 10 से आ रही है, तो 10 + 10 अपोजिट डायरेक्शन है, इस कारण से कितना देगा बताओ 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं ए रिलेटिव, तो ए रिलेटिव कितना देगा अभी, दोनों अपोजिट है 0.3 0.2, तो 0.3 प्लस क्या देगा आपके पास है 0.2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है, तो एस 225 आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू यू टी, यू कितना देगा 20, ठीक है ना,
इंटू क्या देगा आपके पास है टी प्लस हाफ, ए कितना देगा 0.5, 0.5 इंटू क्या देगा आपके पास बताओ टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास में, एक काम करते हैं अपन पूरी इक्वेशन को, ये कितना 0.5 1 बाई 2 तो 4 आ गया, पूरी को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 900 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास 80 इंटू टी और इसके बाद प्लस ये आपके पास टी स्क्वायर बन जाएगा। चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप सोल्व कर दो और चाहो तो आप इसके अंदर टी की वैल्यू फुट कर दो। जैसे सबसे पहले अपन टी की वैल्यू फुट करते हैं, 5 फुट करते हैं तो क्या बन जाएगा अभी 80 इंटू 5 कितना देगा 400 प्लस 25 नहीं हो रही सेटिस्फाई। 10 फुट करते हैं तो 10 फुट करोगे तो क्या देगा अभी 80 इंटू 10 800 प्लस टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 800 प्लस 100 इक्वल टू 900। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10 आ जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला देगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं अपन। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए चार्ज क्यू इज जॉइंट टू ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r एंड कैरिंग चार्ज -2q। देखो एक की रेडियस तो कितनी रहेगी बताओ r हो जाएगी और एक की रेडियस कितनी रहेगी बताओ 2r हो जाएगी। इन दोनों का जो चार्ज है वो कितना देगा भाई, एक का चार्ज कितना देगा भाई क्यू और एक का चार्ज कितना देगा बताओ माइनस का 2q देगा। तो जो टोटल चार्ज है वो कितना देगा बताओ, टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास में माइनस का क्यू देगा, ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो इन दोनों की रेडियस का रेशियो कितना होगा 1:2, तो फाइनल जो चार्ज है वो रेडियस के रेशियो में डिवाइड होगा तो 1:2 तो 1/3 तो इस पे देगा, तो इस पे चार्ज कितना देगा माइनस का क्यू बाई 3 और इस पे चार्ज कितना देगा बताओ माइनस का 2q/3 आ जाएगा, समझ गए। अब बात सुनना भी, इस पे चार्ज अब वो कितना था क्यू था और अब कितना हो गया भाई माइनस क्यू बाई 3 आ गया, इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो कर चुका है, डिफरेंस कर दो क्यू माइनस माइनस क्यू बाई 3 तो 4q/3, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से, देखो यहां पर अपन एक तो चार्ज रख रखा है ए पे रख रखा है और ए पर अगर चार्ज रख रखा है तो इससे टोटल कितना फ्लक्स आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर टोटल फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, समझ गए बात आप। और यहां पर जो फ्लक्स है वो जिन तीन फेसेस को टच कर रहा है उन फेसेस से फ्लक्स है वो तो कितना देगा 0 देगा और बाकी जो फ्लक्स है बाकी इन तीनों फेसेस के लिए क्या हो जाएगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाली फेस से कितना पास करेगा भाई, इसको अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, इसका 1/3 हो जाएगा बाई 3 हो गया, ठीक है ना। प्लस अब अपन बात करते हैं इसकी, बात करते हैं ये वाला जो चार्ज है इसका जो टोटल फ्लक्स है वो कितना देगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये वाला जो फ्लक्स है वो कितने भागों में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे बताओ 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 6 भागों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 6 फेसेस के अंदर ये बराबर बढ़ जाएगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर, ये बन जाएगा आपके पास में क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये बन जाएगा आपके पास में क्यू अपॉन ये आपके पास में जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं 24 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास है क्यू और प्लस इसके बाद में क्या बन जाएगा आपके पास में 4q तो ये बन जाएगा 5q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो 5q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। 32 यहां पे देखो आपको एक नेटवर्क दे रखा है, इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले E1 कितना दे रखा है बताओ 3 वोल्ट, E2 कितना दे रखा है बताओ 3 दे रखा है, E3 कितना दे रखा है बताओ 2 दे रखा है, इसके बाद में R1 कितना दे रखा है बताओ 10 दे रखा है 10 हो गया, और R2 कितना दे रखा है बताओ R2 दे रखा है आपको 30 दे रखा है, ये आपके पास है 30 हो गया। अब सुनो भैया, अब इस सर्किट को अपन करते हैं सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन ले लेते हैं 0, मान लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना देगा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना देगा अभी 3 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है तो इसको अपन बोलेंगे 3 वोल्ट बोल देंगे, ये 3 वोल्ट हो गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो भी कितना देगा अभी 3 वोल्ट हो जाएगा, कितना देगा 3 वोल्ट, और यहाँ पे माइनस का 3 हो गया
तो यहां पे कितना देगा बताओ, 0 वोल्ट आ जाएगा, इस पॉइंट का 0 वोल्ट आ गया। समझ गए बात आप? अब ध्यान से देखना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना देगा, 3 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना देगा, 3 वोल्ट आ देगा। तो इसके अंदर जो करंट है वो क्या देगी, I2। तो यहां से I2 इक्वल टू कितना देगा, V/R। तो V कितना देगा, 3/R कितना देगा आपके पास है, 30। तो इसको अपन बोल सकते हैं 0.1 एम्पीयर आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अब यहां का वोल्टेज वो कितना हो जाएगा बताओ, 0 वोल्ट, और यहां का जो वोल्टेज है वो कितना देगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं माइनस का 3 वोल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनस का 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, 3 वोल्ट, ठीक है ना। तो सॉरी -3 नहीं, -2 आ जाएगा इसका, क्योंकि ये 2 वोल्ट है ना, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 2 वोल्ट। तो 0 और -2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो इसके अंदर जो करंट है वो क्या देगा आपके पास, I1 इक्व टू वी, वी कितना देगा, 2/R कितना देगा, 10 हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं 0.2 बोल देंगे भी, ठीक है ना। तो क्या क्या पूछा जा रहा है आपको, I1 I2 पूछा जा रहा है, I1 कितना देगा 0.2 और I1 कितना देगा, I2 कितना देगा 0.1। तो 0.2 0.1 आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से देखना, देखो मैग्नेट मैक्स 40 ऑसिलेशंस पर मिनट। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 0.1 × 10⁻⁵ टेस्ला एट अनदर प्लेस इट टेक्स 2.5 सेकंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज। ध्यान से देखना देखो, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, टी कुछ टू क्या होता है, 2π√i/mv होता है। तो यहां से टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1√b हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं T1 कितना देगा, T1 40 ऑसिलेशंस पर मिनट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 60 सेकंड में 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले टाइम पीरियड अपन निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना देखो, 40 ऑसिलेशंस का टाइम कितना देगा बताओ, 60 सेकंड हो जाएगा। 40 ऑसिलेशंस का टाइम कितना देगा बताओ, 60 हो गया। तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना देगा अभी, 60/40 इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, 3/2। ये तो पहले का टाइम पीरियड आ गया अभी। तो पहले आपका जो टाइम पीरियड वो कितना था भाई, 3/2 था, और बाद का टाइम पीरियड कितना देगा बताओ, बाद का टाइम पीरियड हो जाएगा कितना, 2.5 सेकंड, 2.5 मतलब 5/2 आ जाएगा, बराबर रूट ऑफ पहली वाली जगह वहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा, 10⁻⁶ बोल दो इसको आप, और यहां का कितना देगा आपके पास है, बी हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करते हैं, 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट करते हैं, और इसके बाद इसको अपन स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना देगा भाई, 9, और इसके बाद 5 का कितना देगा, 25 इक्वल टू कितना देगा भाई, बी अपन कितना देगा, 10⁻⁶, और इसको अपन बोल देंगे 0.36 × 10⁻⁶ हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना देगा, 0.36 × 10⁻⁶, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की अपन बात करते हैं, क्या करें क्वेश्चन नंबर 34, यह कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल टू इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्स, ठीक है ना। किस किस का रेशियो आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, तो एक्स बराबर क्या देगा अभी, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा अभी, μ0 ni/2r, और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं क्या होता है भाई, ni a, ए क्या होता है बताओ, πr², ठीक है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं x इक्व टू ni को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास है, μ0 ni कट चुका है, तो ये बन जाएगा आपके पास है 2π, और ni कट चुका है तो क्या जाएगा आपके पास है, 2πr³ बनेगा भी, r³। तो यहां से अपन लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ओके, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि करंट को आपने डबल कर दिया, तो x अब वो करंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेडियस को अगर आपने डबल कर दिया तो x अब वो कितना देगा, 1/8 हो जाएगा। तो x डैश कितना देगा भी, x/8 हो जाएगा। तो x डैश इक्वल टू क्या देगा भी, x/8, फोर्थ ऑप्शन इज
करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं अपन, क्या करें। देखो ध्यान से, आपको v और t के बीच में ग्राफ दे रखा है, यहां पे v कितना था 8 था और यहां पर कितना देगा 4 हो जाएगा, और यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो पूछा जा रहा है अभी। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दो। v कितना देगा अभी फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अभी 8 थी, और a इक्वल्स टू क्या होता है अभी माइनस का म्यू इंटू जी, जी कितना देगा अभी 10, और इंटू टी कितना देगा आपके पास 4 आ जाएगा, कितना देगा 4। तो यहां से आपके पास म्यू इक्वल्स टू कितना देगा अभी 8/40 0.2 बोल दो इसको आप, ठीक है ना, 0.2 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अपन आ चुके हैं सेक्शन बी पे, और इस सेक्शन बी के अंदर आपको पता ही है कि कुल मिलाकर के आपको 15 क्वेश्चन मिलने, और इन 15 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चन आपको करने भी। ओके चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 36, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगे बट क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखना। देखो अपन जानते हैं कि वायर है, इस पे फोर्स कितना लगता है आई एल इंटू क्या देगा भाई बी, ये तो फोर्स हो गया, और आपको पता है कि फोर्स को अगर आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है इंपल्स होता है, और इंपल्स इक्वल्स टू क्या होता है अभी चेंज इन मोमेंटम, तो मास एम है, फाइनल वेलोसिटी कितनी देगी वी, इनिशियल वेलोसिटी क्या देगी 0 देगी, और आई इंटू टी इसको अपन क्या बोल सकते हैं क्यू बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्यू, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास में क्यू एल बी इक्वल टू क्या देगा बताओ एम बी हो जाएगा, तो यहां से आपके पास में क्यू बराबर कितना देगा बताओ एम वी अपॉन एल बी, तो एम वी अपॉन एल बी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कैपेसिटर का क्वेश्चन है, यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑन द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेड, 2 माइक्रोफेड पे आपको चार्ज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं यहां पे देखो 8 वोल्ट है, तो इस पे जो वोल्टेज है वो भी कितना देगा तो 8 वोल्ट देगा, और यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज है वो भी कितना देगा 8 वोल्ट देगा, इसका इसका कैपेसिटेंस कितना देगा भाई 3 हो जाएगा, कितना देगा 3, और 2+3 कितना देगा भाई 5, इसका कैपेसिटेंस कितना देगा अब तो 5, तो कैपेसिटेंस का रेशियो कितना देगा भाई 3:5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि ये 3 और 5 ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में आ गए, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो अपन जानते हैं क्यू इक्वल्स टू क्या होता है सीवी, ठीक है ना, क्यू इक्वल्स टू सीवी, तो यहाँ पे दोनों के अंदर जो चार्ज है वो सेम होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं क्यू बराबर क्या होता है आपके पास है सीवी, और इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास में कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा भी सी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इसका रेशियो कितना देगा V1 रेशियो V2 इक्वल टू कितना देगा भी 3:5 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 5:3 आ जाएगा भी, ठीक है ना, तो वोल्टेज का रेशियो कितना देगा 5:3, तो इस पे कितना वोल्ट आ जाएगा भी 5 वोल्ट, ठीक है, और इस पे कितना वोल्ट आ जाएगा भी 3 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना आपके पास 8 वोल्ट है, अब 3 वोल्ट इस पे आ जाएगा और 3 वोल्ट इस पे आ जाएगा। अब आपको चार्ज पूछा जा रहा है कि इस पे 2 माइक्रोफेड पे, तो इस पे चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं, क्यू बराबर कितना देगा सीवी, तो 2 × 3 कितना देगा आपके पास है 6 माइक्रो कूलम, सेकंड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्या कर रहा है ध्यान से देखना। देखो ये अगर जर्मेनियम में सिलिकॉन डायऑक्साइड कंडक्ट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग फिगर, इफ जर्मेनियम डायऑड कनेक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाय, अब ध्यान से देखना। देखो इस जर्मेनियम पे कितना वोल्टेज आ जाएगा बताओ, इस पे होता है 0.3 होता है, ठीक है ना, और इस पे जो वोल्टेज है वो कितना होता है 0.7 होता है, समझ गए बात, आप 0.7 होता है, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे अगर 0.3 है तो इस पे भी 0.3 होगा, क्योंकि 0.3 पर ये जो जर्मेनियम वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, तो इस पर जो वोल्टेज है वो भी कितना देगा 0.3 आ जाएगा। अब बात सुना भी, इस पे 0.7, इस पे तो मैक्सिमम 0.3 होता है, 0.7 इस पे हो नहीं सकता, तो यानी अपन बोल सकते हैं इन दोनों पे 0.3 दोनों पे सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब 12 इसमें से 0.3 इस पे चला गया, तो यहाँ पर जो वी नॉट है या वी आउटपुट है इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, ये देगा आपके पास 11.7 आ जाएगा, कितना देगा 11.7 वोल्ट आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं अगले केस की, बात करते हैं ध्यान से देखना। देखो अब अपन क्या करते हैं, जर्मेनियम डायोड को अपन रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना,
तो जर्मेनियम डायोड को अगर अपन ने रिवर्स कर दिया, तो जैसे जर्मेनियम डायोड को रिवर्स करेंगे तो वैसे ही आपको पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो कितना देगा, इनफाइनाइट, समझ गए भाई, ये तो कंडक्शन करेगा नहीं। अब इस पर जो वोल्टेज है वो कितना देगा, 0.7 आ जाएगा, कितना देगा 0.7 वोल्ट। तो अब इस पर जो वोल्टेज है वो भी कितना देगा, 0.7 वोल्ट देगा, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में कितना ही वोल्टेज इस पर अप्लाई अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, 0.7। तो अब इस पर कितना देगा बताओ, 11.3 वोल्ट आ जाएगा। तो चेंज कितने का देगा, 0.4 का देगा, सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 40 पर। क्या कर रहा है देखो ध्यान से, सैटेलाइट ऑफ मास एम इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2R। रेडियस आपको 2R दे रखी है, अराउंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4R, MERE मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये होता है आपके पास E2 माइनस क्या देगा बताओ, E1 हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का जी MEM अपॉन ये देगा आपके पास 2r, और r कितना देगा आपके पास बताओ, E2 की बात करें तो ये बन जाएगा आपके पास 4RE, तो इसको अपन बोल देंगे 4RE माइनस, माइनस माइनस क्या देगा प्लस जी MEM अपॉन कितना देगा 2R, ये बन जाएगा आपके पास है क्या 2RE, ठीक है ना। तो चलो यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बन जाएगा आपके पास है जी MEM अपॉन ये बन जाएगा आपके पास है 4RE, इसको कॉमन ले लो, तो ये तो कॉमन आ गया 1 माइनस, यहां से क्या आ जाएगा अभी 4RE कॉमन आ गया 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना देगा 1/2, तो 4 × 2 कितना देगा 8, जी MEM अपॉन 8RE, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग क्लैंप्ड एट बोथ एंड्स वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक इज गिवन बाय। अब बात सुना, भी थर्ड हार्मोनिक का इक्वेशन आपको यहां पे दे रखा है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहां पे आपके पास जो लेमडा है वो लेमडा कितना देगा, भाई के कितना देगा, के तो के बराबर देगा आपके पास में कितना 0.314 इंटू क्या देगा यह गया, और के क्वेश्चन कितना था 2π/λ, तो 2π कितना था 3.14 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो यहां से अपन लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेमडा तो लेमडा कितना देगा, भी लेमडा अपन बोल सकते हैं कितना, ये 10 20 लेमडा आपके पास आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, समझ गए बात आप। अब यहां से अपन एक काम करते हैं, लेमडा आ चुका आपके पास, अब थर्ड हार्मोनिक है इसका मतलब ये तीन लूप बना रहा है, ये इस प्रकार से तीन लूप बना रहा है, 1 2 3 इस प्रकार से तीन लूप बन चुके हैं। तो लेंथ है स्ट्रिंग की, लेंथ कितनी रहेगी, भी लेंथ आपको दे रखी है एल इक्व टू कितना देगा आपके पास, लेमडा बाय टू तीन लूप हो गए, तो 3λ/2, तो 3λ/2 कितना देगा 30, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है ना आपको, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ओमेगा, ओमेगा कितना देगा बताओ 600, तो ओमेगा इक्व टू 2πn, तो n इक्व टू कितना देगा बताओ 300 देगा। तो v की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, वी कोस्ट क्या देगा एन इंटू लेमडा, एन कितना देगा 300, और यहां पर आपके पास जो लेमडा है वो कितना देगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 को अपन क्या बोल सकते हैं, 0.2 बोल देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 60 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी। तो क्या बन रहा अभी, सबसे पहले द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 300 हर्ट्स, तो फ्रिक्वेंसी अपने को कितनी प्राप्त हो रही है बताओ 300, बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। द नोड्स आर लोकेटेड x = 0 10 20 30, अब नोड्स की अपन बात करते हैं, तो नोड कहाँ पे मिलेगा बताओ, पहला नोड आपको मिल जाएगा लेमडा बाई 4 पे, फिर उसके बाद अगला कहाँ पे मिल जाएगा बताओ 3λ/4 पे, फिर उसके बाद अगला कहाँ पे मिल जाएगा बताओ 5λ/4 पे, लेमडा की वैल्यू फुट कर दोगे तो ये सारी सारी पोजिशन आपको मिल जाएगी, फोर्थ ऑप्शन इसका आपके अंदर
आपका करेक्ट चला जाएगा, 40 बंद हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। लॉन्ग थिक स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्रॉस सेक्शन एरिया, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस आर बाय 2 फ्रॉम सरफेस इनसाइड द कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर इज। ध्यान से देखना, देखो आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक वायर है, इसके अंदर सबसे पहले यहां की बात करनी है आपको और फिर उसके बाद यहां की बात करनी है, ठीक है ना। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना देगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसको आप लिख सकते हैं बी इन इक्वल्स टू कितना देगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन कितना देगा बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू आर बाय 2 पुट कर दोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना देगा बताओ, 4 पाई आर आ जाएगा। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं बी आउट की तो कितना देगा भी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है ना। अब सुनो भाई, स्मॉल आर की बात करते हैं अपन, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना देगा भी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना देगा भी, आर प्लस आर बाय 2 कितना देगा, 3 आर बाय 2, तो इसको अपन बोलेंगे 3 आर बाई 2 आ जाएगा भी। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना देगा भी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, 3 पाई आर आ गया। अब दोनों पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो क्या देगा भी, बी वन रेशियो बी टू इक्वल टू कितना देगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 3 पाई आर, तो 1/4 1/3, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 3 रेशियो 4 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट होता है, तो इसका रेशियो कितना देगा, 9 रेशियो 16 आ जाएगा, 9 रेशियो 16, फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके चले नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे, देखो देर आर टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज ए एंड बी, डीके कॉन्स्टेंट ऑफ बी इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ए, इनिशियली बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, आफ्टर एन हाफ लाइफ ऑफ ए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बोथ आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है ना। तो देखता से देखो क्या करें, टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी, ये ए हो गया और ये आपके पास है बी हो गया, डीके कॉन्स्टेंट ऑफ बी इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ए, तो डीके कॉन्स्टेंट ऑफ बी इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ए, तो इसका कितना देगा लेमडा, इसका कितना देगा बताओ, 2 लेमडा देगा, ठीक है ना। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ कितने देगी बताओ, टी, तो इसकी हाफ लाइफ कितने देगी बताओ, 2t हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो हाफ लाइफ होती है वो लेमडा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनिशियली बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने, इनिशियली एन नॉट है और इसके अंदर भी कितने देंगे भी, एन नॉट हो जाएंगे। आफ्टर एन हाफ लाइफ ऑफ ए, तो ए की कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी बताओ, हाफ लाइफ की बात करते हैं, ए की कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी, एन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके दौरान जो बी है उसकी कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी बताओ, देखो इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितना भी, जैसे हमने बात करते हैं कि 2t, 2t कितना देगा, मान के चलेगा जो t है उस t को अपन कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, तो 2t कितना देगा बताओ, 10 हो जाएगा। तो इसका 10 सेकंड में इसकी एक हाफ लाइफ हो रही है और इसकी 10 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ हो रही है, 2 हाफ लाइफ हो रही है, तो इसकी अगर n हाफ लाइफ हो जाएगी तो इसकी कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी बताओ, 2n हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों की जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या था, dn/dt, तो dn/dt इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एन होता है, ठीक है ना। तो दोनों का लेमडा एन वो क्या देगा, सेम हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं भी, सबसे पहले लेमडा एन, तो पहले वाले का लेमडा क्या देगा, लेमडा, और एन इक्वल टू कितना देगा तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर, ये आपके पास एन हो जाएगा बराबर। दूसरे का अपन देखते हैं, लेमडा कितना देगा बताओ, 2 लेमडा, ओके, और इसका जो एन है वो कितना देगा बताओ, एन नॉट अपॉन 2 की पावर, ये आपके पास बन जाएगा 2n बन जाएगा भी, समझ गए। तो यहां से चलो सोल्व करते हैं अपन, लेमडा एन नॉट, लेमडा एन नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, यहां से बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 2n-n इक्वल टू क्या देगा आपके पास, n बराबर, ये आपके पास आ जाएगा 2, 2 की पावर कितना देगा बताओ, 1 आ जाएगा,
समझ गए बात आप? तो यहां से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, वन। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 45 अपन देखते हैं क्या कर रहा है। देखो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन एंथ एंड एन प्लस वन द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू इट्स एन माइन वन बोर रेडियस। तो बात सुना भाई, डिफरेंस बिटवीन एंथ एंड एन प्लस वन, तो अपन जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है अभी, इसको अपन बोल देते हैं आर नॉट इंटू क्या हो जाएगा बताओ, एन स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो जेड कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एन और एन प्लस वन, तो डिफरेंस कितना देगा अभी, इसको अपन बोल देंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले देते हैं, तो बन जाएगा आपके पास आर नॉट एन और एन प्लस वन, तो इसको अपन बोल सकते हैं एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस क्या देगा बताओ, एन स्क्वायर। ओके, इक्वल टू क्या देगा बताओ, आर नॉट किसकी रेडियस हो जाएगी बताओ, एन माइनस वन की हो जाएगी, तो यह बन जाएगा आपके पास एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको सोल्व करते हैं, तो एन प्लस वन का स्क्वायर कितना देगा, एन स्क्वायर प्लस वन और प्लस क्या देगा बताओ, टू एन, माइनस क्या देगा, एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, इसके बाद में प्लस वन माइनस क्या देगा बताओ, टू एन हो जाएगा। यहां पे अपन क्या करते हैं, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर को काट देते हैं, इसके बाद में वन से अपन वन को काट देते हैं। ओके, इसके बाद में यहां पे आपके पास माइनस का टू एन, इधर आकर के टू एन, टू एन टू एन कितना देगा आपके पास, फोर एन, बराबर क्या देगा बताओ, एन स्क्वायर, तो एन इक्वल टू कितना बन जाएगा, चार। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है। ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड पासेस द हाइट 5 मीटर ट्वाइस इन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से, मतलब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आता है, ये 5 मीटर की कोई हाइट है, ठीक है ना, और इसको ये 10 सेकंड के इंटरवल में पार करता है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो कितना देगा, 5 सेकंड, और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो कितना देगा, 5 सेकंड देगा। अब आपको पता है कि 5 सेकंड में यहां से फ्री फॉल स्टार्ट करता है, 5 सेकंड में कितना नीचे की तरफ गिर जाएगा बताओ, 125 हो गया, और ये कितना देगा, 5 हो जाएगा, तो यहां से इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना देगी, 130 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 130, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, 125 प्लस 5 130 आ गया, ये मैक्सिमम हाइट आ गई, तो अपन जानते हैं कि टी इक्वल टू कितना देगा भाई, 2 इंटू क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ 2h बाई जी आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट ऑफ 2h बाई जी, 2 h कितना देगा आपके पास बताओ, 130 डिवाइडेड बाई जी, जी को अपन क्या बोल सकते हैं, 10, तो ये आपके पास बन जाएगा रूट ऑफ 104, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से। इन द फिगर शोन फॉर गिवन वैल्यूज आर वन एंड आर टू द बैलेंस पॉइंट ऑफ जॉकी इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो ये कितना देगा आपके पास 40 और ये कितना देगा 60, इसका मतलब ये बन जाएगा कि आपके पास में आर वन रेशियो आर टू इक्वल टू कितना देगा 40 बाई 60, यानी 2/3 आ गया। इसके बाद में ये बोला जा रहा है कि जो वेन आर टू इज सेंटेड बाई 10 ओम, आर टू पर आपने इस प्रकार से 10 ओम लगा दिया, तो क्या बन जाएगा भाई, आर वन का तो क्या देगा आपके पास आर वन, और आर टू कितना देगा भाई, आर टू इसको अपन बोल सकते हैं आर टू इंटू कितना देगा भाई 10, और इसको अपन बोल सकते हैं आर टू प्लस क्या देगा 10 इक्वल टू बैलेंसिंग पॉइंट है वो क्या देगा भाई शिफ्ट टू 50, तो 50 का मतलब क्या देगा भाई 1:1 आ देगा। इसके बाद इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास आर वन इंटू क्या देगा आर टू प्लस क्या देगा 10 और इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 10 आर टू आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आ चुकी है, और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन सोल्व करके आर वन आर टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे भाई। समझ गए बात आप, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है देखो ध्यान से, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस इज 4:1, इंटेंसिटी का रेशियो आपको दे रखा है, लाउडनेस का डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, तो बात सुनो भाई, इंटेंसिटी का रेशियो आपको दे रखा है आई वन अपॉन आई टू इक्वल टू कितना देगा आपके पास 4:1 इक्वल टू कितना देगा बताओ ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर, तो यहां से बन जाएगा आपके पास ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू 2:1,
इसके बाद में आई मैक्स अपॉन क्या देगा, आई मिनिमम इक्वल टू एम एक्स टू प्लस वन, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास टू प्लस वन अपॉन क्या देगा टू माइनस वन इसका होल स्क्वायर, टू प्लस वन थ्री स्क्वायर कितना देगा नाइन, नाइन रेशियो वन आ देगा, ठीक है ना। अब बात सुना भी, अब अपन बात करते हैं डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बराबर कितना देगा भी, ये देगा आपके पास एल मैक्स माइनस क्या देगा आपके पास एल मिनिमम आ देगा, बराबर कितना देगा टेन लॉग बेस टेन, और इसको अपन बोलेंगे आई मैक्स अपॉन क्या देगा बताओ आई मिनिमम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन लॉग बेस टेन आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो कितना देगा आपके पास नाइन रेशियो वन, नाइन आ गया तो नाइन को अपन बोल देंगे थ्री स्क्वायर, स्क्वायर आ गया देगा तो ये आपके पास जाएगा ट्वेंटी लॉग थ्री, ट्वेंटी लॉग थ्री थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 48, क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। सिंपल पेंडुलम विद मेटलिक बॉल हैज ए टाइम फिट टी, तो टी बराबर कितना देगा आपके पास होता हुआ टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी आ जाएगा अभी। इसके बाद सुनो भाई, इसको आपने किसके अंदर डुबो दिया भी, एक लिक्विड के अंदर डुबो दिया जिसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी वन फोर्थ हो जाएगी, तो वन फोर्थ अगर हो जाएगी तो फिर उसके बाद में आपके पास जो जी इफेक्टिव है, इस जी इफेक्टिव को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये देखा आपके पास है जी इंटू वन माइनस क्या देगा आपके पास वन बाई फोर आ जाएगा, तो वन माइनस वन बाई फोर कितना हो जाएगा थ्री जी बाई फोर, ये जी इफेक्टिव आ गया। तो बाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा टी डेस इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी डेस, जी डेस कितना देगा भी थ्री जी बाई फोर आ जाएगा। इसके बाद में फोर का रूट कितना देगा आपके पास है टू बाई रूट थ्री इंटू टी, तो टू बाई रूट थ्री इंटू टी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 अपन देखते हैं क्या करें है? अपने पास में एक डिस्क है और इस डिस्क का ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई कितना देगा आपके पास बताओ एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं इसको इस डायमीटर के अबाउट इस प्रकार से फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके फिर उसके बाद एक भाग को तो यू ही रखते हैं और एक को इस प्रकार से 90 पे यू घुमा देते हैं, अपन दोनों एक दूसरे के 90 पे कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर अपन ने ऐसा कर दिया तो अब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या बन जाएगा आपके पास आई डेस बन जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों भागों को अगर घुमा दोगे तो इस डायमीटर के अबाउट ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको पता है एम आर स्क्वायर बाई क्या होता है फोर होता है, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास आई बाई टू हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको ई एम एफ वो जीरो करना है, तो एल ई एम एफ इक्व टू क्या होता है ई इक्व टू एल इंटू क्या होता है डी आई अपॉन डी टी होता है। ई एम एफ जीरो कब होगा, जब आपका डी आई अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा, और डी आई अपॉन डी टी को जीरो करते हैं तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर्टी, तो टी स्क्वायर माइनस फोर्टी तो टी स्क्वायर का कितना देगा आपके पास है टू टी माइनस क्या देगा फोर इक्व टू जीरो, तो यहाँ से टी इक्व टू क्या देगा आपके पास में टू सेकेंड, दो सेकेंड हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से फुल सिलेबस का ये पेपर था जिसका अपन ने एक एक क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का यहाँ पे अपन ने वीडियो सॉल्यूशन किया है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और निश्चित रूप से दंगल के अंदर आपका जो स्कोर बनेगा उससे ज़्यादा स्कोर आपका नीट के अंदर आएगा। आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ में हर दिन आपको काम करना है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पंक्तियों के साथ में आज का लेक्चर अपन एंड करते हैं, तो सुनेगा। अंधकार चाहे गहरा हो सात समंदर पार हो, अंधकार चाहे गहरा हो सात समंदर पार हो, उजाला सदा ही विजय हुआ है जब सत्य आधार हो। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स जो सत्य है वही आपका आधार है, क्योंकि आपने हमेशा सत्य आप हमेशा सत्य के साथ रहे और आपने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है, तो आपका जो परिणाम है वो भी बहुत सुखद होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।